देश में घुसपैठ का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेशी लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की आंख में धूल झोंककर भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। पहले पाकिस्तानी आतंकियों, श्रीलंका के तमिलों और बांग्लादेशी रोहिंग्यों के बाद म्यांमार के लोगों की भी भारत में घुसपैठ की खबर सामने आई। ऐसे में भारत ने हर जगह सीमा सुरक्षा को चाक चौबंद कर रखने की कोशिश की ताकि कोई घुसपैठिया भारत में कदम नहीं रख सके। लेकिन सच तो ये है कि शरणार्थियों को भारत सबसे मुफीद और सुरक्षित लगता है, इसलिए वह सभी भारत में ही ठिकाना बनाने आ जाते हैं और यहाँ कई समस्याओं का कारण भी बनते हैं। इन सब के बीच ऐसे गिरोह का भी भंडाफोड़ होता जा रहा है जो अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को भारत में बसाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी गिरफ्तार हुए मोहम्मद राशिद अहमद की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देश में तेजी से बढ़ रहा घुसपैठ का मामला, बांग्लादेशियों को अवैध रूप से बसाने के साथ कानपुर में एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई, पूछताछ में हुए खुलासे से अधिकारी हैरान। यूपी के कानपुर में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की, अवैध घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में बसाने वाले गिरोह के एक सदस्य को एटीएस ने सेंट्रल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। उसकी पहचान बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर चटगांव में मंदारी गांव निवासी मोहम्मद राशिद अहमद के रूप में की गई। वह सहारनपुर के देवबंद स्थित दारुल उलूम के कमरा नंबर 10 अफ्रीकी मंचल में रह रहा था। वही सरदार त्रिपुर सुंदरी एक्सप्रेस वे अगरतला जाकर अवैध रूप से सीमा पार करके बांग्लादेश जाने के फिराक में था। इससे पहले ही सेंट्रल स्टेशन पर उसे दबोच लिया गया। एटीएस ने उसके पास से फर्जी दस्तावेजों से बनवाया हुआ आधार कार्ड, दारुल उलूम देवबंद मदरसे का आईडी कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किया है। एटीएस की पूछताछ में राशिद ने बताया कि 8 साल पहले बांग्लादेशी पासपोर्ट से टूरिस्ट वीजा पर वह भारत आया था। बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत में बसाने वाले गिरोह के सदस्य शेख नजीबुल हक और अबू हुरैरा गाजी से उसकी जान पहचान थी। उन्होंने ही राशिद का फर्जी दस्तावेजों की मदद से बंगाल के पते पर आधार कार्ड बनवाया और वर्ष 2016 में देवबंद में बसाने में मदद करने के साथ उसे अपने गिरोह में भी शामिल करा लिया। उसे भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के कुटचित भारतीय दस्तावेज बनवाने का काम सौंपा गया, जिसके बदले उसे मोटी रकम भी मिलती थी। उसने पहले गिरफ्तार हो चुके बांग्लादेशी नागरिक अदिलुर रहमान को भी भारत में बसाया था। राशिद से पूछताछ के दौरान कई बांग्लादेशियों के नाम भी सामने आए जिन्हें गिरोह के माध्यम से भारत में अवैध रूप से बसाया गया है। यूपी एटीएस ने राशिद के बताए सभी नामों के बारे में जांच भी शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले गिरोह के कई लोग पकड़े जा चुके हैं। 11 अक्टूबर 2023 को आदिलुर रहमान असरफी, अबू हुरैरा गाजी और शेख नजीबुल हक को गिरफ्तार किया गया था। उसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। वही 7 नवंबर 2023 को तानिया मंडल और इब्राहिम खान की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद 18 दिसंबर 2023 को मोहम्मद अब्दुल अव्वल को दबोचा गया। फिर 8 जनवरी 2024 को अब्बू सालेह मंडल की गिरफ्तारी हुई थी। इतना ही नहीं, 6 मई 2023 को एटीएस ने झकरकट्टी बस अड्डे के पास से 8 रोहिंग्यों को एक साथ गिरफ्तार किया था। ये सभी रोहिंग्या नागरिक बांग्लादेश सीमा से भारत में पहुंचे थे और दिल्ली जा रहे थे, वहां से जम्मू जाना था। एटीएस ने सभी के खिलाफ लखनऊ गोमती नगर में मुकदमा दर्ज कराया था। सबसे पहले बात 12 अक्टूबर 2023 की। यूपी पुलिस की आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि यूपी एटीएस ने 12 अक्टूबर 2023 को 3 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। ये सभी मानव तस्करी में शामिल थे। बांग्लादेशियों को भारत में लाकर बसाने के लिए उन्हें विदेशों में 20 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। एटीएस ने इन तीनों के खाते से 1,50,00,000 रुपए बरामद किए थे। गिरफ्तार आरोपितों के नाम आदिल मोहम्मद शर्फी उर्फ आदिल उर रहमान, शेख नजीबुल हक और अबू हुरैरा गाजी था। एटीएस ने खुलासा किया था कि मानव तस्करी वाले इस सिंडिकेट के सदस्य बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार कराकर भारत लाते और उन्हें यहां बसाते हैं। इसके लिए ये भारतीय नागरिकता संबंधी फर्जी दस्तावेज बनाते थे। विदेशों से जो फंडिंग होती थी उनका इस्तेमाल ये लोग इस काम में करते थे। एटीएस के एडीजी मोहित अग्रवाल ने बताया था कि इस संबंध में एटीएस के वाराणसी यूनिट को सूचना मिली थी। एटीएस को पता चला कि सिंडिकेट का सदस्य आदिल मोहम्मद अशरफी उर्फ आदिल और रहमान पश्चिम बंगाल से
दिल्ली या सहारनपुर जाने की फिराक में है। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे वाराणसी में दबोच लिया। इसके पास से फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट भी बरामद हुए। वही पूछताछ में आदिल ने बताया कि दस्तावेज उसे पश्चिम बंगाल का रहने वाला शेख नजीबुल हक और अबू हुरारा गाजी की मदद से मिला। उसने बताया कि ये दोनों फिलहाल दिल्ली से सटे यूपी के सहारनपुर में रह रहे हैं। इसके बाद एटीएस ने सहारनपुर से इन दोनों को दबोचने का काम किया, यानी कि उसी के इशारे पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तीनों ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। इन्होंने बताया कि ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं और यूपी में लंबे समय से रह रहे हैं। जानकारी के अनुसार सहारनपुर से पकड़े गए दोनों बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि उन्होंने बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद हबीबुल्लाह मसबाह उर्फ नजीम के फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। हबीबुल्लाह को कुछ दिन पहले सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। इसके पास से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार कराने के सबूत भी मिले थे। जांच में यह बात सामने आई कि विदेशों से कुछ एनजीओ के एफसीआरए अकाउंट में 20 करोड़ रुपए भेज चुके थे। यह राशि मदरसों और स्कूलों के लिए आई थी। इसका इस्तेमाल मानव तस्करी में हो रहा था। यह सिंडिकेट अवैध घुसपैठ कराने, फर्जी दस्तावेज बनवाने, शरण देने और भारत विरोधी गतिविधियों में इस धन का उपयोग किया जा रहा था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से छिपकर रह रहे कई बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एटीएस ने जुलाई 2023 में राज्य के सहारनपुर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, अलीगढ़ और मथुरा में कार्रवाई कर तकरीबन 74 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या लगभग 4000 थी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए घुसपैठी 10 से 15 साल से यूपी में रह रहे थे। कईयों के पास तो राशन कार्ड और डॉक्यूमेंट भी बने हुए थे। वही 7 नवंबर 2023 को यूपी एटीएस ने बांग्लादेश के रहने वाले इब्राहिम खान और तान्या मंडल को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया था। दोनों पर बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी दस्तावेज से भारतीय नागरिकता दिलाने और मानव तस्करी के सिंडिकेट में शामिल होने का आरोप था। इनसे पहले पकड़े गए मानव तस्करी से जुड़े तीन आरोपियों आदिलुर रहमान अशरफी, अबू हुरैरा और शेख नबुजीन हक ने पूछताछ में तान्या और इब्राहिम का नाम सामने लाया था। तभी से एटीएस इनके पीछे लगी थी और बताया जा रहा है कि 11 अक्टूबर 2023 को पकड़े गए आदिलुर रहमान ने सिंडिकेट के जरिए तान्या मंडल को भारत बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कराया था। पकड़ी गई तान्या मंडल को फर्जी दस्तावेज के सहारे बांग्लादेश बॉर्डर पार कराने के बाद 25,000 रुपए में इब्राहिम खान को बेच दिया गया, जिसके बाद बांग्लादेश से आकर तान्या और इब्राहिम बेंगलुरु की एक कपड़ा फैक्ट्री में मजदूरी करने लगे और साथ में रहने लगे। दोनों आरोपियों इब्राहिम खान और तान्या मंडल को यूपी एसटीएस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। तो ये हाल फिलहाल की बात है। 6 साल पहले भी इस मामले में यूपी एटीएस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, यानी कि ये मामला अभी से नहीं चल रहा है। बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट बनवाने के आरोप में एक आरोपी को सहारनपुर से अरेस्ट किया गया था। यूपी एसटीएफ और पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने जहीर को पकड़ा था। बांग्लादेश के रहने वाले जहीर ने सहारनपुर से पासपोर्ट बनवा लिया था। पकड़ा गया जहीर सऊदी अरब जाने की फिराक में था। उसके पास से इंडिया और बांग्लादेश के कई सिम कार्ड भी बरामद हुए थे, जिसके बाद यूपी एटीएस ट्रांजिट रिमांड पर उसे लखनऊ लेके गई थी और वहां पे उसे पकड़कर पूछताछ की गई थी। इससे पहले भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन तीनों के पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, कंप्यूटर, कई बैंकों की पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस तक बरामद हुए थे। एटीएस की विशेष अदालत ने इन 3 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बता दें कि एटीएस ने एहसान वसीम को सहारनपुर और यूसुफ को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों में यूसुफ बांग्लादेशी नागरिक है और लंबे समय से पहचान छपाकर गाजियाबाद में रह रहा था। वह सऊदी अरब में रह रहे कुछ लोगों के संपर्क में भी था। उसके बैंक खातों में कई बार सऊदी अरब से 1-1 लाख रुपए की लेन देन भी निकलकर सामने आई। इस तरह से यह सिलसिला कई साल पहले से चल रहा है, जहां एक साजिश के तहत भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनका पर्दाफाश हो जाता है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।